हाय दोस्तों, जय बे टेक्टो वर्कशॉप में आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे वर्कशॉप पे आया था 485 आइसर। तो दोस्तों ये ट्रैक्टर हमारे वर्कशॉप पे क्यों आया था दोस्तों, इसका हेड स्टीयरिंग प्रॉब्लम था, यहाँ पे हमने स्टीयरिंग खोल दिया था। तो आप लोगों के बताने के लिए हमने ये वीडियो बना रहे हैं कि कौन सा काम हमें लेट वर्क के लिए भेजना पड़ता है, कौन सा सामान हमें बनवाना पड़ता है क्या, तो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। हाँ दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने किसान भाइयों में शेयर कर दें। और अभी आपको दिखाएंगे हम, ये तो गाड़ी हो गई, अभी सामान दिखाएं क्या क्या बनवाना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कौन कौन सा सामान यहाँ पे लेट काम के लिए भेजना होता है, बहुत अच्छे से काम करवाना, जिसका पिले बहुत ज़्यादा था स्टीयरिंग में, इसीलिए हमने स्टीयरिंग खोला था। टाइम नहीं था, वीडियो नहीं मिल पाएगा पूरा, केवल फिटिंग का वीडियो आपको देंगे हम दोस्तों। तो यहाँ पे आप दिखाएंगे दोस्तों कि कौन कौन सा सामान हमें लेट काम के लिए भेजना पड़ता है, तो आपको अभी वीडियो में देख लेना। तो दोस्तों आप कैमरा को नज़दीक करके आपको दिखाएंगे, ले आओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला हमको राम सॉफ्ट भेजना पड़ता है, अपने भाषा में यही बोलता हूँ मैं, और हम सॉफ्ट जो बोलते हैं। तो यहाँ पे ये गोली कटा था हमने, ये वाला नया लगवाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा पिले था दोस्तों, इसीलिए हमारा स्टीयरिंग बहुत जाम और पिले बहुत था इसमें और जाम कटता था। तो यहाँ पे आप देखिए, ये वाला गोली हमने नया लगवाया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पॉलिश करवाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से किरंग पॉलिश जैसे होता है, उस तरीके से हमारा काम होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छे से सफाई करके दिया है लेट वाला, यहाँ पे इसका बनवाए हैं। और इसमें भी प्लेट में ज़्यादा पिले था दोस्तों, तो ये प्लेट भी गया था स्टीयरिंग के साथ में। यहाँ पे आप देखिए, ये वाला इस जगह पे लगता है ऐसे, इसमें तो इसका भी काम हुआ है दोस्तों यहाँ पे। और इसका अंदर इसका काम होता है दोस्तों, यहाँ पे हमको बुश लगवाना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर इसमें बुश पीतल का लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो दो बुश इसमें लग जाता है, एक अंदर लग जाता है, यहाँ पे एक अंदर बुश है इसके, और एक बुश यहाँ पे लगाया है, और यहाँ पे भी आलसील भी लगा दिया है वहाँ पे, जो काम बुश यानी बुश वाला जो काम करके दिया है। तो यहाँ पे हमको बुश लगवाना, उसमें ज़्यादा चालता दोस्तों, बहुत एक राउंड प्लेयर होता था स्टीयरिंग में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा हो गया, और हमें और क्या लेना पड़ता है, यहाँ पे इसका बेयरिंग ख़राब था, पुराना वाला भी दिखाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाला पुराना वाला बेयरिंग ये ख़राब हो चुका था, यहाँ पे हमने नया बेयरिंग मंगाया है, दो पीस इसमें आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यही सामान हमको लाना होता है, और एक बुश यहाँ पे लग जाएगा ये वाला, इसमें ये भी कट चुका था, कंपनी से पहली मरतबा स्टीयरिंग खुला है दोस्तों। तो ये वाला हमको यहाँ पे लगवाना होता है, ये भी नया लगाए हैं हम। तो दोस्तों अभी इसको जल्दी फिटिंग का वीडियो देंगे, कैसे हमको फिट करना होता है इसमें, तो जल्दी से आपको फिटिंग का वीडियो देंगे हम दोस्तों। यहाँ पे जब बायरिंग कॉलर वाला उखाड़ता है, वाला यहाँ पे नहीं उखड़ेगा, बिल्डिंग से उखड़वाना पड़ता है अंदर वाला कॉलर जो होता है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कॉलर अंदर जो लगा हुआ है, तो वही वाला उखाड़ा है वहाँ, और वहाँ तत्काल उसी वक्त बैठा दिया था ये कॉलर, तो हमने नहीं बैठा है, वो कंपनी यहाँ से लेट काम वाले भेजे थे वहाँ पर बैठा के दिया है हमको। तो एक कॉलर हमको लगाना है दोस्तों यहाँ पर, और एक बायरिंग यहाँ पर लगा देना है हमको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बायरिंग, इसमें थोड़ा सा आयल लगाएंगे हम, इसमें आयल लगा देंगे दोस्तों। आयल लगाने के बाद में इसमें हम बैठाने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसमें लग जाएगा। और ये वाला हमारा राड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला राड हमको यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये बेयरिंग, एक बेयरिंग बैठ चुका है, अब दूसरा वाला बेयरिंग यहाँ पे हम लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये वाला बेयरिंग यहाँ पे, तो ये वाला ऐसे बेयरिंग लगाना है दोस्तों, और ये कॉलर बैठा देना है इस पर, इसको भी बैठा के आपको दिखाएंगे दोस्तों स्टेप। तो दोस्तों यहाँ पे छोटी थोड़ी से यहाँ पे चोट लगाएंगे भी, यहाँ पे हमारा इस तरीके से बैठ गया। यहाँ पे हमको कैप लगाना होता है, तो यहाँ पे आप देखिए यही मेन सेटिंग होता है दोस्तों, यही सिम से कम ज़्यादा यहाँ पे राड मिलाना होता है हमको, ऐसे नचा नचा के चेक करना होता है इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे नचा नचा कर इसको देखेंगे, और यही प्लेट से इसमें अगर टाइट होता हमारा राड, अगर कसने पर प्लेट टाइट होता तो यहाँ पर सिम लगा कर इसमें जितना सिम लगाएँगे उतना हमारा ढील घूमेगा, तभी इसको हम सेट करेंगे दोस्तों। इतने सिम पे पहले कंपनी इतना सिम लगाया था, देखते हैं आता है कि नहीं, नहीं तो इस पर हम सिम लगाएंगे, तो इसको भी लगा कर आपको सेट करके दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये देख सकते हैं, प्लेट लगाने के बाद में हमको दो बोल्ट लगाकर इसमें चेक करना कि हमारा राड फ्री रहता है कि नहीं। तो यहाँ पर दो बोल्ट हम लगाएँगे और जल्दी से इसको कस के आपको दिखाएँगे।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने प्लेट को यहाँ पे कस लिया था, अभी हमारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं ढीला घूम रहा है यहाँ पे एक उंगली की मदद से। तो इसमें चाल भी है, तो इस चाल को कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा हम आपको बता दें पहले कि इसमें यही मेन सेटिंग होता है। अगर ये जाम रहेगा रॉड तो स्टीयरिंग काटने के दौरान बहुत ज़्यादा टाइट कटेगा। इसको एकदम ईजिली इसको ऐसा सेट करना होता है, केवल उंगली से घूमना के लिए ज़्यादा ढील है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप दिखा देंगे ये नाच रहा है, यहाँ पर आप देखिए। तो इसको भी हम प्लेट को फिर से खोलेंगे, इसीलिए हमने दो बोल्ट लगाया था दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला। तो ये दो ही बोल्ट खोल के इसमें सिम लगाएंगे दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ढील है रॉड, इसमें चाल होना नहीं चाहिए दोस्तों, इसमें चाल है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस चाल को हमको कम करना है, तो इसको कम करने के लिए हमको ये प्लेट खोल के इसमें सिम रखना पड़ेगा। देख सकते हैं दोस्तों, इसे जल्दी से खोल के आपको दिखाएँगे कहाँ पर हमको सिम रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सिम निकाल लिया, ये वाला सिम हमको नहीं लगाना है दोस्तों, क्योंकि अगर राड हमारा ये जाम होता तब ये सिम रखना पड़ता, ये ढीला है तो इस जगह पे हमको सिम रखना है। तो ये वाला कौन सा सिम रखना, वही चक्के में जो 7 नंबर सिम इस बंडल में लगता है वही वाला हम सिम यहाँ पर रखेंगे। तो जल्दी से ला कर अभी लगाएँगे आपको दिखाएँगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको पहले ही सेट कर लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए, यही वाला सिम लगाना है दोस्तों। अब लोग बोलेंगे ये वाला सिम निकाल देते तो काम हो जाता, नहीं ये पतला एक सिम लगा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये वाला सिम स्पंडल वाला है, तो दोस्तों हमें कैसे लगाना है, यहाँ पे ग्रीस लगाकर बीचों बीच में चिपका देना है ऐसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये डाउन आ रहा था, इसीलिए हमको ये सिम डालना पड़ा, तो सेटिंग नहीं बैठ रहा था ये। अगर ओवर होता तो यहाँ पर सिम लगा लेते, तो ये वाला नहीं अंदर के लंग मांग रहा था सिम लगाने को, तो इसको बीचों बीच लगा कर दोस्तों यहाँ पे हमको लगा देना है। यहाँ पे थोड़ा सा सिलाक लगाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये वाला बीचों बीच में लगाकर ये वाला हमको कैप लगा देना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से लग जाएगा हमारा, अभी आपको इसको कस के आपको दिखाएंगे, जल्दी से कस लेते हैं हम इसको दोस्तों। ये बोल्ट हमें एक लंग से नहीं कसना है, इसको थोड़ा थोड़ा मिलाकर चारों तरफ चारों कोनों को कसना है। एक तरफ कसेंगे तो कंघा हो जाएगा हमारा प्लेट, तो इसको थोड़ा इसको थोड़ा इसको ऐसे कसेंगे हम, ऐसा नहीं कि एक लंग से कस दें हम इसको। तो अपोजिट साइड में कसना होता है, इसको कस के आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। यहाँ पर अच्छे तरीके से हमको ये नट कस लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कस दिया इसको। अब कसने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये राड हमारा है फ्री घूमना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीले भी नहीं है इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें पीले भी नहीं है, इसमें पीले नहीं होता है, केवल इसको राड को घूमना चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये टाइट घूमेगा दोस्तों, तो स्टीयरिंग हमारा टाइट घूमेगा। अब यहाँ पे हमारा ये हो गया, अभी हमको बुश लगाना होता है दोस्तों इसमें, तो इसमें मोबिल लगा कर दोस्तों लगाएँगे हम। इसमें आयल लगा कर दोस्तों हम इसमें लगाने जा रहे हैं, ये वाला बुश लग जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देखिए ये बुश हमारा बैठ गया, और यहाँ पे स्टीयरिंग हमारा ऐसे फ्री होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाफ के लिए। यहाँ पे हमने राड को सेट कर लिया था, अभी हमें ये लगाना है जो बताया था आर्म शाफ्ट, यहाँ पे आयल लगा देंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आयल लगाएँगे इसमें हम लुब्रिकेटिंग करके इस पर। तो दोस्तों यहाँ पर कोई सेटिंग नहीं होता, बीचों बीच इसको लगाना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राड हमारा हो गया, और इसमें ऐसे लगाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरीके से हमारा बैठेगा इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों बैठ गया हमारा, और यहाँ पे चल भी रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा लगता है इसमें, ऐसे चलता है स्टीयरिंग के अंदर। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों, अभी हमें गियर ऑयल डालना है दोस्तों। यहाँ पर हमने आलथिल नीचे लगाया था, इसमें 140 नंबर गियर ऑयल डालना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब और मिस्त्री का पता नहीं, इसमें हम 140 नंबर गियर ऑयल डालेंगे, तो इसको भी डाल के आपको दिखाएंगे दोस्तों। यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे हम, दोस्तों ये गियर ऑयल डालने के बाद में हमको यहाँ पे सिलेक लगाना है, प्लेट बैठाना होता है हमको, तो यहाँ पे हल्का हल्का सिलाक लगा देंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम सिलाक लगा लेना है यहाँ पे। अब दोस्तों ये प्लेट बैठाने के बाद में यहाँ पे ये वाला पेच जब उल्टा कसेंगे इसमें पेच कर लगा कर ऐसे, तभी हमारा प्लेट बैठेगा, नहीं तो बस नहीं बैठेगा दोस्तों ऐसे।
यहाँ पे आप देखिए ऐसे नचाएंगे इसमें लगाकर, तो उल्टा इसे हमको खोलना है, इसको खोल लेना है इसे, और हमारा पेड प्लेट आसानी से बैठते चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों हमारा प्लेट बैठ रहा है अभी। सकते हैं दोस्तों हमारा ये प्लेट कुछ इस तरीके से लगा देना है हमको, यहाँ पे बैठ गया। अब यहाँ पे हमको बोल्ट लगाना है, यहाँ पे अभी जल्दी से इसको 13 नंबर बोल्ट जो होता है यहाँ पे लगा देंगे हम इसमें। याद रहे, ध्यान है दोस्तों, ये वाला बोल्ट हमको फ्री रखना है, ये प्लेट कसने के बाद में बोल्ट फ्री रखना है हमको। स्टार्टिंग दोस्तों यहाँ पे प्लेट कसने के बाद में ये वाला हमको ये एडजस्टिंग बोल्ट लगाना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला बोल्ट लगा देंगे इसमें हम, इसी से कम ज़्यादा जो प्ले होता है दोस्तों यहीं पे सेट करा जाता है, यहीं से यही बोल्ट से एडजस्टिंग से होता है। जितने पे आ जाए कसो और खोलने से इसको ऐसे सेट करते हैं, इसको दाब के दबाव पड़ता है जो राड और हम का होता है। इसको अभी हम सेट करके दोस्तों कंप्लीट करके यहाँ पे अभी ट्रैक्टर में इंस्टॉल करने की करेंगे दोस्तों। दोस्तों हमारा स्टीयरिंग कंप्लीट हो गया, अब इसको हाथ से यहाँ पे डोलाएंगे और हमारा डोलना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए कोई पिल उल वगैरह नहीं लगाया कि स्टीयरिंग लगा के आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए एक उंगली की मदद से दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आसानी से हमारा स्टीयरिंग चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर नच रहा होगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक उंगली की मदद से दोस्तों यहाँ पर स्टीयरिंग चलना चाहिए, तब भी हमारा स्मूथ स्टीयरिंग चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, तो अच्छा लगता हो भैया लाइक वाइक मारा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो नए हो तो जल्दी से इसको बांध के अभी सेटिंग बताएंगे कितने कैसे इसको हमको लगाना है कितना पे, तो इसको लगा कर आपको जल्दी से अब ट्रैक्टर में इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने स्टीयरिंग बांध के यहाँ पर कम्प्लीट कर लिया था, पूरा बॉडी वगैरह इसका बैठा दिया है इसमें बॉडी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ईजिली हमारा स्टीयरिंग घूम रहा है। तो दोस्तों सब फिट करने के बाद में हमें ये आर्म लगाना होता है जो इसका टेराड रोड फंसता है इसमें। तो दोस्तों स्वराज में तो इसमें खांचा बना हुआ है, तो चाहे जैसे इसमें नचा कर लगा देते हैं 3 राउंड इधर करके और 3 उधर करके, इसमें 6 राउंड होता है दोस्तों स्टीयरिंग में। तो इसमें स्वराज में दिया हुआ था नक्का मिलाकर, तो इसमें पतला पतला झीरी दिया हुआ है, आपको दिखाते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसमें कोई निशान नहीं है किस पे बैठा है, एक कंपनी ने निशान दिया है इस पर, दांते पर नहीं दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसे हमें कैसे बैठाना है, यहाँ पर एक मार्क दिया हुआ है कंपनी ने, अगर इसको एक लंग लगा देंगे दोस्तों तो हमारा स्टीयरिंग एक ही लंग कटेगा जो टायर है, अगर एक लंग लगा देते हैं ऐसे चाहे इधर ऐसे लगा देंगे तो जब कटाई करेंगे तो दोस्तों एक ही लंग केवल मुड़ेगा। तो दोस्तों पे इस पर निशान दिया हुआ है कंपनी ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको ये वाला निशान, और इस पर धूरे पे आप दिखाओ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने निशान दिया है, यहाँ पर आप मार्क दिख रहा होगा, और ये वाला मार्क को मिलाकर हमको लगाना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंपनी ने इसमें मार्क दिया हुआ है इस पे झीरी पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला मैच, ये वाला निशान और ये वाला निशान मैच करके हमको ऐसे लगा देना है। इसको लगाने से पहले यहाँ पे एक रबड़ लगता है दोस्तों, ये रबड़ हमको लगा देना है इस तरीके से, और ये वाला निशान मैच करके यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निशान को मैच करके लगा दिया दूर से। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि जब इसको डलाएंगे तो दोनों हमारा कटाई जो है दोनों लंग बराबर होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इतना हमारा आता है, और यहाँ पे भी बराबर दोनों लंग कट रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों जो कटाई होना, दोनों टायर बराबर, जब ये सेटिंग नहीं रहेगा तो टायर हमारा एक ही लंग घूमेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारा वीडियो अच्छा लगा, हो तो भैया लाइक मार दें, और चैनल को अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक मारें, और मिलते हैं कोई अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।